सालों के बाद आपके पोता पोती हो जाएंगे और आप ये कॉन्सेप्ट अपने पोता पोती को समझा पाओगे अगर आप ये वीडियो देखते हो तो, क्योंकि आपको आज का इस टॉपिक को सुनने के बाद समझने के बाद आने वाला है मजा, बिल्कुल आ जाएगा आपको मजा। चलिए स्टार्ट करते हैं इसी प्यारे से नोट पर। वेलकम बैक इन कॉलेज ट्यूटर, माई नेम इज हिना और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट के बारे में। उसके क्या नेचर होते हैं, ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, स्कोप होते हैं एंड ऐसे कौन कौन से स्टेप्स हैं जिनको लेने से हम अपने वेल्थ को मैक्सिमाइज कर सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें इस वीडियो में आपको मिलने वाली है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट की। देखो एक बिजनेस है, एक बिजनेस को अपने आप को चलाने के लिए या अपने आप को खड़ा करने के लिए क्या चाहिए होता है, पैसा चाहिए होता है। हर कोई बिजनेस क्यों नहीं कर पाता, क्योंकि इनके पास पैसा नहीं होता। सबसे ज़रूरी होता है बिजनेस के अंदर पैसा, जैसे कि हमने अपने बिजनेस फाइनेंस वाले इंट्रोडक्शन में पढ़ा था। आज हम दूसरी क्लास में हैं और जैसा कि हम समझ के आ चुके हैं बिजनेस फाइनेंस को जब हम और ज़्यादा डिटेल कर देते हैं ना, तब वो बन जाता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। अच्छा, फाइनेंशियल मैनेजमेंट बोलते किसे हैं, फाइनेंस को मैनेज करना, इसे ही तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट कहते हैं। अब किसी भी बिजनेस को अपने आप को स्टैंड करने के लिए, अपने आप को चलाने के लिए, अपने आप को खड़ा करने के लिए ज़रूरत होती है पैसे की। तो बस उसी पैसों को रोज़मर्रा की जो भी वो एक्टिविटी कर रहा है, बिजनेस सेल परचेस कर रहा है या रॉ मटेरियल खरीद रहा है, जितनी भी एक्टिविटी रेंट पे कर रहा है, इन सब चीज़ों के साथ उसको डील करने के लिए चाहिए पैसा। इसी का मैनेजमेंट क्या कहलाता है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट। अब फाइनेंशियल मैनेजमेंट में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, क्या सिर्फ पैसे को मैनेज करना ही फाइनेंशियल मैनेजमेंट कहलाता है, नहीं। देखो इसमें कौन कौन सी चीज़ें आती है बात करते हैं। सबसे पहले हमें ज़रूरत महसूस होती है पैसे की, तो पैसे को एस्टिमेट करना कि हमारे पास कितनी ज़रूरत है पैसे की, मतलब हमारी कितनी नीड है, कितना पैसा हमें चाहिए अपनी एक्टिविटीज़ को करने के लिए या फिर बिजनेस को चलाने के लिए। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एस्टिमेट इवेल्यूएट करते हैं कि हमें कितने फंड की ज़रूरत है, ठीक है। उसके बाद हम फंड को अरेंज करते हैं, अब वो फंड हमें चाहिए भी तो होगा, उसको अरेंज कर लिया, फिर उसको यूज़ करते हैं, यूटिलाइज करते हैं और बाद में हम उस फंड को क्या कर देते हैं, अपने एम्प्लॉयज़ के साथ, शेयर होल्डर्स के साथ, इन सब के साथ जो भी प्रॉफिट आता है उसका बंटवारा कर देते हैं। ये क्या कहलाता है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट। बस ये चार टर्म ही फाइनेंशियल मैनेजमेंट की डेफिनेशन बनाता है। देखो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मतलब होता है जितने भी फंड की, जितने भी पैसे की हमें ज़रूरत है उसको एस्टिमेट करना, आंकना, ठीक है। सपोज़ कि हमें 5,000 की ज़रूरत है, तो हमने अपनी रिक्वायर देख ली कि हमें 5,000 की ज़रूरत है, तो हमने एस्टिमेट कर लिया। अब उसका अरेंज करना, अब उस पैसे को हम अरेंज कहाँ से करेंगे, बिजनेस को चलाने के लिए हम तो लोन भी ले सकते हैं, डेट से भी पैसा उठा सकते हैं, इक्विटी से भी पैसा उठा सकते हैं, डेट मतलब बोरोड फंड। तो हमें पैसे को उठाना कहाँ से है, डेट से उठाना है या इक्विटी से उठाना है, हमारे लिए कौन सा रास्ता सबसे अच्छा रहेगा फंड को अरेंज करने का, वो इसमें हम देखते हैं। फिर जब हमारे पास फंड आ जाता है, पैसा आ जाता है, तो उसे अच्छी जगह यूटिलाइज करो। सपोज़ कि हमारे पास एक प्रोजेक्ट था ए और एक प्रोजेक्ट था बी, ठीक है। ए से हमें उतना फ़ायदा नहीं मिलता जितना बी से मिलता, बी वाले प्रोजेक्ट में ज़्यादा पैसा भी रिटर्न में आएगा, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा भी मिलेगा, रिस्क भी बहुत कम है और जल्दी से जल्दी भी मिल जाएगा, मतलब जो टाइम है वो भी बहुत कम है। तो सिंपल सी बात है, हम पैसे को कौन से वाले प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करेंगे, यूटिलाइज करेंगे बी वाले प्रोजेक्ट में। तो उस फंड को जो हमने फंड रिक्वायर करा, अरेंज किया, उसको प्रॉपर तरीके से अब इस्तेमाल करो, यूटिलाइज करो। जब हमने यूटिलाइज कर लिया, उसके बाद हम क्या करेंगे, उससे जो भी रिटर्न आएगा, जो भी प्रॉफिट बनेगा, उस प्रॉफिट को हम क्या कर देंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, बांट देंगे अपने एम्प्लॉयज़ के बीच में या फिर अपने शेयर होल्डर्स के बीच में, जिनका भी हक है उनको बांट देंगे। बस यही क्या कहलाता है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट कहलाता है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट में हम पैसों का बहुत अच्छे से मैनेजमेंट करते हैं। इसकी शुरुआत हो जाती है कि हमें पैसे की ज़रूरत कितनी थी, हमने कहाँ से अरेंज करा, हमने प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज़ किया, फिर हमने क्या कर दिया, जो भी प्रॉफिट आया उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, उसे ही क्या कहते हैं, फाइनेंशियल मैनेजमेंट। हमने क्या कर दिया, पैसे का मैनेजमेंट कर दिया, यही क्या कहलाता है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट। अब बात करते हैं इसके ऑब्जेक्टिव्स की। तो मेन जो ऑब्जेक्टिव है ना फाइनेंशियल मैनेजमेंट का, इसका पहला ऑब्जेक्टिव है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करो, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाओ। किसी भी बिजनेस के प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का मतलब होता है वो फाइनेंशियल मैनेजमेंट इसलिए कर रहे हैं ताकि वो पैसे को अच्छी जगह से अरेंज करें और अच्छी जगह यूटिलाइज करें और उससे अच्छा रिटर्न कमाएं, इसलिए अरेंज कर रहे हैं। तो अब क्या होता है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का जो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है वो है प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना। ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके अंदर जो बिजनेस है ना वो ये चाहता है कि वो ज़्यादा से
ज़्यादा बेस्ट आउटपुट दे, बेस्ट प्राइस लेवल दे और ज़्यादा से ज़्यादा वो अपने लिए रिटर्न कमाए, प्रॉफिट कमाए, है ना। जो भी पॉसिबल वे होगा वो उसको यूज़ करेगा, जैसे कि रॉ मटेरियल सस्ता खरीद लेगा, चीपर वे में रॉ मटेरियल खरीदेगा, अच्छा प्रोडक्ट बनाएगा, उसे बेच देगा हाइयर प्राइस पे, तो ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमा लिया, या फिर वो ऐसे प्रोडक्ट की तरफ भागेगा जिसमें हाई मार्जिन हो। तो एक बिजनेस क्या चाहता है कि उसका ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन हो, इसलिए वो क्या करता है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट करता है, क्योंकि फाइनेंशियल मैनेजमेंट में हमें बताया गया है ना कि हम प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज करते हैं और प्रॉपर तरीके से प्रॉफिट कमाते हैं। तो समझ में आ गया पहला ऑब्जेक्टिव क्या है, प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना। दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। देखो पहले तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन चलता था, लेकिन आज हम और इतने ज़्यादा कॉम्पिटिटर फैल गए मार्केट में, अगर हमने वेल्थ को मैक्सिमाइज करने के बारे में नहीं सोचा तो हमारा बिजनेस नहीं चलेगा। आज के टाइम में हमें अपने लॉन्ग टर्म प्रॉफिट के बारे में सोचना होगा। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन जो था वो शॉर्ट टर्म प्रॉफिट था कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाओ और हमें फ़ायदा हो गया, नहीं। अगर लोगों की नज़रों में अच्छा बनोगे, रेपुटेशन कमाओगे, तो हमें वो क्या देगा, लॉन्ग टर्म फ़ायदा देगा। अगर मैं आपको वैल्यूएबल कंटेंट वाली वीडियो दूंगी तो आप तो फिर मुझसे जुड़ोगे, एक छोटे प्रॉफिट के लिए नहीं, लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए। मेरी क्या होगी, लॉन्ग टर्म ग्रोथ होगी, अगर मैंने आपकी चीज़ों को ध्यान में रखा, आपकी वैल्यूज़ को ध्यान में रखा, आपकी प्रेफरेंस को, आपकी वांट्स को ध्यान में रख के वीडियो बनाई, तो आप मेरे से लॉन्ग टर्म के लिए जुड़ जाओगे। तो किसी भी बिजनेस को चलाने के लिए, कॉम्पिटिटर में सर्वाइव करने के लिए वेल्थ मैक्सिमाइजेशन का होना बहुत ज़रूरी है। और वेल्थ मैक्सिमाइजेशन का मतलब होता है जब हमारे वैल्यू ऑफ शेयर, शेयर की जो वैल्यू होती है वो इंक्रीज हो जाती है, तब हम कहते हैं कि क्या हो गया, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन हो गया। वेल्थ मैक्सिमाइजेशन कंपनी की वो एबिलिटी होती है जो अपने स्टॉक की वैल्यू को इंक्रीज कर देती है, मतलब जो भी उसका शेयर का प्राइस है वो बढ़ जाएगा। अब आप सोचो, आप एक लग्जीरियस होटल में गए हो तो उसमें सारी चीज़ों का जो प्राइस होगा वो हाई होगा, जब बहुत ज़्यादा प्राइस हाई है तभी वो लग्जीरियस बना, तब जब वो लग्जीरियस था तभी सारी चीज़ों का प्राइस हाई हुआ, कहीं ना कहीं आपस में एक दूसरे से रिलेट कर रहे हैं ना। तो ऐसे ही जब हमारी वैल्यू ऑफ शेयर बढ़ेगा तो हमारे बिजनेस की ज़्यादा ग्रोथ होगी। और ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट का ये ऑब्जेक्टिव होता है कि हमारी जो बिजनेस में जो भी शेयर होल्डर हैं, जो भी पैसा लगा रहे हैं, उनकी अच्छे से अच्छी ग्रोथ हो, उन्हें भी अच्छा रिटर्न मिले, तभी जब बिजनेस इनका फ़ायदा करेगा तभी तो ये हमारा फ़ायदा करेंगे। अब देखो, वैल्यू ऑफ शेयर जब बढ़ जाएगी तो हम क्या कमाएंगे, गुडविल कमाएंगे, हमारी जो रेपुटेशन है वो बढ़ जाएगी क्योंकि हमारा शेयर का प्राइस हाई है, ठीक है। हम कंज्यूमर को सेटिस्फाई कर पाएंगे, देखो हमारा जितने भी इन्वेस्टर्स पैसा लगाएंगे उनको ज़्यादा इन्वेस्टमेंट मिलेगी, वो तो खुशी होंगे ना, उनका सेटिस्फैक्शन लेवल बढ़ेगा। अब देखो, कंपनी की जो फाइनेंशियल डिसीजन है वो अच्छे माने जाएंगे, जब कंपनी की वैल्यू ऑफ शेयर बढ़ जाएगी मतलब वो अच्छा कमा रही है, अच्छा कमा रही है तभी तो वो अच्छा दे रही है, जब वो अच्छा दे रही है तो इसका मतलब जो भी उसने फाइनेंशियल डिसीजन लिए थे कि उसे कहाँ पैसा लगाना चाहिए, कहाँ से पैसा उठाना चाहिए, वो बहुत अच्छे थे, उसकी क्या हुई, गुडविल आराम से बढ़ गई। और मैंने बताया ना, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन का मतलब होता है लॉन्ग टर्म ग्रोथ, हम जब अपनी वैल्यू ऑफ शेयर बढ़ा रहे हैं ना, इसका मतलब हम अच्छी ग्रोथ कर रहे हैं। इससे ये पता चलता है कि जो हमारी कंपनी की जो फाइनेंशियल पोजीशन है वो अच्छी है, हमारी जो परफॉर्मेंस है वो अच्छी है, हम अच्छे से काम कर रहे हैं, अच्छे सा प्रॉफिट कमा रहे हैं, तो हमारे वैल्यू ऑफ शेयर की जो शेयर की वैल्यू वो ज़्यादा है, और ज़्यादा से ज़्यादा फिर इन्वेस्ट करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा होगा, ज़्यादा से ज़्यादा इस कंपनी के बारे में लोग जानेंगे। तो वेल्थ मैक्सिमाइजेशन एक बहुत अच्छा टर्म कह लो या कॉन्सेप्ट कह लो, एक लॉन्ग टर्म ग्रोथ का, लोगों के साथ जुड़ने का, बिजनेस को एक्सपैंड करने का, ठीक है। थर्ड पॉइंट है मेंटेनेंस ऑफ लिक्विड एसिड। फाइनेंशियल मैनेजमेंट का तीसरा ऑब्जेक्टिव होता है कि लिक्विड एसेट्स को मेंटेन रखना। फाइनेंशियल मैनेजमेंट में हम पैसों का ही तो मैनेजमेंट कर रहे हैं, अब इसमें क्या करेंगे, जो भी हमारे लिक्विड एसेट्स हैं, लिक्विड एसेट ऐसे एसेट्स होते हैं जिनको हम क्विकली कन्वर्ट करवा सकते हैं कैश में। हमारे पास गोल्ड है, गोल्ड को अगर तुरंत बेचेंगे तो तुरंत हमें पैसे मिल जाएंगे, है ना। तो कुछ ऐसे एसेट्स जो तुरंत ही कैश में कन्वर्ट हो जाते हैं उसे लिक्विड कहते हैं, और ये भी रखना ज़रूरी होता है। अगर हमारे पास बिजनेस में एक, हम सपोज की लाइट भाग गई, ये एग्जाम्पल है, फील मत करना ज़्यादा, कि अगर लाइट भाग गई और लाइट के लिए हमें मोमबत्ती के लिए पैसे नहीं है, हम इतनी बड़ी कंपनी के मालिक हैं और हमारा जनरेटर कुछ नहीं चल रहा है और हमारे पास मोमबत्ती तक के पैसे नहीं है क्योंकि हमारे पास लिक्विड एसेट नहीं है, तो क्या ही फायदा इतने बड़े बिजनेस का। तो हमारे पास लिक्विड ऐसे हाथ में कैश होना, बैंक डिपॉजिट होना, ऐसे एसेट जो कन्वर्ट हो जाए जल्दी से कैश में, वो होने ज़रूरी है, उसका मेंटेन करना ज़रूरी है ताकि हम डेली ऑब्लिगेशंस को, रोज़ाना की जो डेली रिक्वायरमेंट्स उठ उठ के आ रही हैं उनको क्या कर सके, मीट कर सके। चलिए अब बात कर लेते हैं फोर्थ पॉइंट की। फोर्थ पॉइंट क्या कहता है कि प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ फंड। फाइनेंशियल मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या है, हम प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज करें, जो भी हमने फंड रेज किया है, उठाया है, पैसा रेज किया है, उसका क्या कर सके, अच्छा डिसीजन लेके अच्छा रिटर्न निकाल सके, प्रॉपर यूटिलाइज कर सके उस पैसे को। हमारे पास प्रोजेक्ट ए था, प्रोजेक्ट बी था, बी जैसे ही मैंने बताया बहुत अच्छा रिटर्न दे रहा था, रिस्क भी कम था, ठीक है, जल्दी टाइम में दे रहा था, तो हम क्या करेंगे, अच्छा डिसीजन लेंगे, कौन सा इन्वेस्टमेंट ज़्यादा अच्छा है, हमें पैसा कौन से प्रोजेक्ट पे लगाना चाहिए, ए पे या बी पे।
फिर जब हमें पता लग गया हमने प्रॉपर यूटिलाइज कर दिया यहाँ पे अपने पैसे को, तो इसने क्या कर दिया, प्रॉफिट को बढ़ाया, जो कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन थी वो भी कम आई, वेल्थ भी मैक्सिमाइज हुई, ग्रोथ भी हमारी बढ़ेगी और हमारी सेविंग भी इंप्रूव होगी। ये क्या है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव थे। अब चलिए अब बात कर लेते हैं नेचर की। तो नेचर में देखो, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है, कैश का मैनेजमेंट, कहाँ कहाँ हमें ज़रूरत है, हमारे लिक्विड एसेट्स को मेंटेन करना, कहाँ पे इनफ्लो हो रहा है, कहाँ पे आउटफ्लो हो रहा है कैश का। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का नेचर कैसा है, ये क्या करता है, कैश की मैनेजमेंट करता है, कैश की नीड को, कहाँ कहाँ कैश की ज़रूरत है, इनफ्लो कहाँ से आ रहा है, आउटफ्लो कहाँ से हो रहा है, ये सब चीज़ क्या करता है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट करता है। दूसरा है एस्टिमेट कैपिटल रिक्वायरमेंट। हमने जैसे कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट की डेफिनेशन में ही पढ़ा था कि हमें जितने भी फंड की रिक्वायरमेंट होती है उसका एस्टिमेट करते हैं हम पहले, तो ये पॉइंट ये कह रहा है कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या करता है, जितने भी पैसे की ज़रूरत है उस फंड की रिक्वायरमेंट को एस्टिमेट करता है। तीसरा पॉइंट ये कह रहा है कि ये कैपिटल स्ट्रक्चर डिसाइड करता है। कैपिटल स्ट्रक्चर मतलब कि हमें पैसे को कहाँ से उठाना है, कहाँ से नहीं उठाना है, डेट से उठाना है या इक्विटी से उठाना है, ये बात हमें फाइनेंशियल मैनेजमेंट बताता है। हम सारी चीज़ों को देखेंगे अपनी, जो भी हमें जहाँ से भी सही लगेगा हम वो वहाँ से पैसे को रेज कर लेंगे, हमारी कंपनी के लिए जो भी सही होगा हम वहाँ से पैसे को उठा लेंगे, ठीक है। हमारा इन्वेस्टमेंट पैटर्न भी बताता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट, जैसे कि किससे कितना रिस्क आ रहा है, किससे कितना रिटर्न आ रहा है, तो ये कौन बताएगा, फाइनेंशियल मैनेजमेंट बताएगा। और फाइनेंशियल कंट्रोल भी अप्लाई करता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट, मतलब कि हमारी कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन कितनी है, हमारा प्रॉफिट कितना है, हम पहले लागत लगाएंगे फिर देखेंगे कि हमें उससे प्रॉफिट कितना हुआ, सब चीज़ रीचेक करेंगे, तो कहीं ना कहीं ये फाइनेंशियल कंट्रोल भी अप्लाई करता है। तो ये है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का नेचर, ठीक है। चलिए अब बात कर लेते हैं, अब हम बात कर लेते हैं उन स्टेप्स की जिसके कारण हमारी जो वेल्थ है वो मैक्सिमाइज होती है, वैल्यू ऑफ शेयर बढ़ती है, वो कैसे बढ़ेगी, ऐसे कौन कौन से स्टेप्स हमें लेने चाहिए। तो सबसे पहले हाई लेवल के रिस्क को हमें अवॉइड करना चाहिए। जैसे कि मैंने बताया कि प्रोजेक्ट ए हमें बहुत हायर रिस्क दे रही थी, तो हमने उसको क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया, और हमने क्या चुना, प्रोजेक्ट बी चुना। सेकेंड पॉइंट कहता है कि हमें अपने जो भी शेयर होल्डर्स हैं, जो भी उन लोगों को क्या करना चाहिए, डिविडेंड रेगुलरली पे करना चाहिए। वो ईमानदारी से जब पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं तो हम उनकी डिविडेंड में क्यों डिले करें, फिर उनका मॉरल क्यों गिराएं, क्यों उन्हें डीमोटिवेट करें, तो हमें क्या करना चाहिए, अपने डिविडेंड को रेगुलरली पे करना चाहिए, ठीक है। हमें अपनी ग्रोथ को बढ़ाए रखना चाहिए, डिमांड के अकॉर्डिंग देखना चाहिए कि कस्टमर की क्या डिमांड है, वो कैसा प्रोडक्ट चाह रहा है, उसके हिसाब से हमें उनकी वॉन्ट पर काम करना चाहिए। इससे क्या होगा, हमारी सेल्स बढ़ेगी, सेल्स बढ़ेगी तो ग्रोथ बढ़ेगी, और जब ग्रोथ बढ़ेगी तो हम अपने वेल्थ को मैक्सिमाइज कर पाएंगे। देखो, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एक ऐसा फैक्टर है जो हर कोई अवॉइड करना चाहता है, लेकिन इसके बिना काम नहीं चलेगा। आजकल लोगों की ज़रूरतों को देखना पड़ेगा, जब हम अपनी जनता के अकॉर्डिंग काम करेंगे ना, तभी जनता हमारा सपोर्ट करेगी, तभी हमारे बिजनेस को वो आगे बढ़ाएगी। तो हमें सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी निभानी चाहिए, लोगों के लिए कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए। गवर्नमेंट कॉन्स्ट्रेंट्स मतलब कि हमें अपनी एक्टिविटीज़ को इस तरीके से करना चाहिए कि गवर्नमेंट उसमें कोई भी क्या नहीं कर पाए, अपनी टांग ना अड़ा पाए। हमारी जितनी भी एक्टिविटीज़ होनी है वो लीगल होनी चाहिए, कोई भी ऐसी हमारी एक्टिविटी नहीं होनी चाहिए कि गवर्नमेंट आके इंटरफेयर करे। जब ये सब चीज़ें पॉइंट होंगे तो हमारी क्या होगी, वेल्थ मैक्सिमाइज हो जाएगी। चलिए अब बात कर लेते हैं स्कोप की। तो स्कोप में देखो, स्कोप का मतलब होता है कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट कहाँ कहाँ फैला हुआ है, उसका कितने एरिया को उसने कवर किया हुआ है, उसका स्कोप क्या है, उसने कहाँ कहाँ तक अपनी पहुँच बना रखी, उसे बोलते हैं स्कोप, ठीक है। तो ऐसे तो स्कोप के अलग अलग पॉइंट हैं अलग अलग बुक में, जैसे कि कहीं पे अकाउंटिंग में उसका स्कोप है, मैथमेटिक्स में उसका स्कोप है, ऐसे पॉइंट्स भी आपको मिल जाएंगे, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। किसी बुक में ये वाला दे रखा था, किसी बुक में वाला दे रखा था, लेकिन हल्का सा इसमें डिफरेंस है। ये बोल रहा है कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट का स्कोप कहाँ है, वो कहाँ कहाँ तक फैला हुआ है। तो सबसे पहले आता है ट्रेडिशनल अप्रोच, ट्रेडिशनल अप्रोच, एंड दूसरा आता है मॉडर्न अप्रोच। ट्रेडिशनल अप्रोच में, जब फाइनेंशियल मैनेजमेंट की जो ट्रेडिशनल अप्रोच को हम फॉलो करते आ रहे थे, उसमें हम क्या करते थे, प्रोक्यूरमेंट पे फोकस करते थे कि हमें पैसे को रेज कहाँ से करना है, सिर्फ वो चीज़ हम देखते थे। लेकिन आज की मॉडर्न अप्रोच में हम देखते हैं कि पैसे को एक्वायर कहाँ से करें, कहाँ से अरेंज करें, और कहाँ पे एलोकेट करें। एलोकेट करना भी ज़रूरी है, अपने शेयर होल्डर वगैरह को डिविडेंड देना भी ज़रूरी है, उनको बांटना भी ज़रूरी है। अगर हम ये नहीं करेंगे तो कोई हमारी बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करना चाहेगा। तो मॉडर्न अप्रोच का फोकस कहाँ कहाँ पे, एक्विजिशन पे भी है और एलोकेशन पर भी है, लेकिन ट्रेडिशनल अप्रोच का जो फोकस है वो सिर्फ प्रोक्यूरमेंट पे था, पैसे को एक्वायर कहाँ से करना है उस पर था। इससे बहुत सारी लिमिटेशन थी, इसकी बहुत सारी डिसएडवांटेजेस के सामने आ रहे थे। ये रूटीन प्रॉब्लम को इग्नोर कर रहा था, नॉन कॉर्पोरेटिव एंटरप्राइजेस को इग्नोर कर रहा था फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ये एलोकेशन को इग्नोर कर रहा था। इस वजह से हमें एक मॉडर्न अप्रोच लानी पड़ी, और मॉडर्न अप्रोच में हमने ये डिसाइड किया कि हम पैसे को एक्वायर कहां से करेंगे और एलोकेट कहां का करेंगे, इस पे ध्यान दिया जाएगा। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट एक्विजिशन पे तो फैला ही फैला, एलोकेशन पे भी फैला। तो यहां तक इसकी पहुंच है, यहीं पे वीडियो को एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी और समझ में आई तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।